हेलो दोस्तों, एक बार फिर से न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉक पर डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आज के ट्रेडिंग सेशन में रफली 10% का राउंड में हमें रैली देखने को मिला है। और दोस्तों स्टॉक पिछले 2 साल पहले लिस्ट हुआ था और दोस्तों वहां से अभी तक जैकपॉट साबित हुआ है, क्योंकि इसका बिजनेस ग्राफ काफ़ी शानदार है, इसका प्रोडक्ट काफ़ी शानदार है, जिसकी वजह से दोस्तों स्टॉक हमें 2021 के दिसंबर में लिस्ट होते हुए देखने को मिल रहा है और दोस्तों वहां से अभी तक जैकपॉट की तरह मुनाफा दिया है। हालांकि दोस्तों जब स्टॉक प्राइस काफ़ी निचले स्तर पे था वहां पे भी हमने वीडियो बनाकर डिस्कस किया था दोस्तों इस स्टॉक के ऊपर हमें फोकस बनाकर रखना चाहिए। और दोस्तों वहां से अभी तक स्टॉक में ज़बरदस्त तरीके से मुनाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि फ्यूचर में इसका प्राइस यहाँ से भी काफ़ी आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो चलिए इस स्टॉक से सारा इन्फॉर्मेशन एक बार देखेंगे। तो यहाँ पे पिछली 1 मंथ की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 10% के अराउंड में गिरावट का फिगर देखने मिल रहा है। पिछले 6 मंथ की बात करेंगे तो यहाँ पे 7% से एवब का मुनाफा का फिगर है, जो कि अपने आप में अच्छा खासा है। और दोस्तों पिछले 1 साल की बात करें तो पिछले 1 साल में इस स्टॉक में 52% के अराउंड में मुनाफा का फिगर हमें देखने मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ से इस स्टॉक में थोड़ा सा हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और दोस्तों फिर से इसमें अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों पिछले 5 ईयर की बात करेंगे, यही इसका सबसे अधिक दिनों का प्राइस ग्राफ है, तो सबसे अधिक दिनों में इस स्टॉक में यहाँ पे रफली 150% के आसपास का मुनाफा का फिगर है। और दोस्तों स्टॉक हमें 2021 के दिसंबर में लिस्ट होते हुए देखने मिल रहा है, यानी कि पिछले 2 साल में इस स्टॉक में 150% के आसपास का मुनाफा का फिगर हमें देखने मिल रहा है। तो आप लोग समझ सकते हो स्टॉक जैकपॉट की तरह मुनाफा दिया है और फ्यूचर में दोस्तों इसका प्राइस यहां से भी काफ़ी आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से मेट्रो ब्रांड लिमिटेड की रिगार्डिंग। यहां पर दोस्तों पिछले 2 साल का इसका रेवेन्यू ग्राफ है, अच्छा खासा ग्राफ हमें देखने को मिल रहा है, इंक्रीमेंट के साथ हमें देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की ग्राफ की बात करेंगे तो पिछले 2 साल का ग्राफ है और यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रॉन्ग इंक्रीमेंट के साथ में यहाँ पे पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल का ग्राफ यहाँ पे नेट प्रॉफिट का हमें फिगर देखने को मिल रहा है। हालांकि इसका ईपीएस का ग्राफ भी अपने आप में काफ़ी शानदार है, ये भी ज़बरदस्त इंक्रीमेंट के साथ में फिगर में देखने को मिल रहा है, यानी कि दोस्तों इसका बिजनेस ग्राफ काफ़ी शानदार है, जिसकी वजह से रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट ग्राफ स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर 32,000 करोड़ से एवब का फिगर है, जो कि अपने आप में काफ़ी शानदार है। और दोस्तों इसका 52 हाई की बात करेंगे तो इस स्टॉक का प्राइस 1441 का हाई शो किया था, जो कि लो की बात करेंगे तो 700 के आसपास का फिगर है। और दोस्तों स्टॉक प्रीशियो की बात करेंगे तो यहाँ पर 100 के आसपास का फिगर है। और दोस्तों इंडस्ट्री का प्रीशियो ओनली यहाँ पर 57 का फिगर हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि जो इसका प्राइस है ओवर वैल्यूड हमें देखने को मिल रहे थे। तो यहाँ से इस स्टॉक में थोड़ा बहुत हमें करेक्शन का फिगर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर दोस्तों रिटर्न इक्विटी की बात करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी शानदार फिगर देखने को मिल रहा है, रिटर्न कैपिटल इंफेक्ट का फिगर भी यहाँ पे रफली 24% से एवब का फिगर है। और दोस्तों डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो अभी 0.34 का फिगर है, हालांकि इसका फेस वैल्यू ₹5 का फिगर है। और दोस्तों इस स्टॉक में यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर का होल्डिंग 74% से एवब का होल्डिंग काफ़ी शानदार है और दोस्तों कोई प्रमोटर का सिर्फ प्लेस नहीं है। ईपीएस की बात करेंगे तो ईपीएस का फिगर भी रफली अच्छा खासा है, हालांकि दोस्तों डेप टू इक्विटी की बात करेंगे तो 0.63 का फिगर देखने मिल रहा है, जो कि दोस्तों थोड़ा बहुत हमें डेप का फिगर भी देखने मिल रहा है। हालांकि फ्री कैश फ्लो का फिगर जबरदस्त है, 289 करोड़ का फिगर है यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है फ्री कैश फ्लो का। और दोस्तों इसका पीईजी रेशियो यहाँ पे देख तो ये भी थोड़ा सा हाई देखने को मिल रहा है, तो स्टॉक अपने आप में अच्छा खासा है। हालांकि इसका प्राइस थोड़ा सा हमें ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यहां से थोड़ा बहुत हमें करेक्शन का फिगर और देखने को मिल सकता है, अदरवाइज स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए जबरदस्त है। यहां पर दोस्तों क्वार्टरली सेल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने काफी शानदार तरीके से सेल्स का फिगर शो किया है अकॉर्डिंग टू सेप्टेम्बर क्वार्टर, जिसकी वजह से इस स्टॉक में स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल रहा है। और दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी काफ़ी शानदार उछाल हमें देखने मिला दिसंबर क्वार्टर में। और दोस्तों नेट प्रॉफिट का फिगर यहां पे काफ़ी ज़बरदस्त इंक्रीमेंट के साथ में फिगर हमें देखने मिले दिसंबर क्वार्टर का, जिसकी वजह से इस स्टॉक में आजकल रैली देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इसका ईयरली सेल्स की बात करेंगे तो एवरी ईयर का सेल्स ज़बरदस्त तरीके से देखने मिल रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फिगर भी एवरी ईयर का काफ़ी अच्छा खासा है। और दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करेंगे
तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट का फिगर भी एवरी ईयर का काफी शानदार तरीके से देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 3 साल का 18% का सेल्स ग्रोथ है। और दोस्तों प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो पिछले 3 साल का 31% का प्रॉफिट ग्रोथ का फिगर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे स्टॉक प्राइस सीरीज की बात करेंगे तो यहाँ पे फिगर अपडेट नहीं है, ओनली पिछले 1 साल का फिगर यहाँ पे 48% का फिगर अपडेट है। और दोस्तों रिटर्न इक्विटी की बात करेंगे तो यहाँ पे काफी शानदार फिगर हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों रिजर्व की बात करेंगे तो यहाँ पे रिजर्व का फिगर भी एवरी ईयर कंपनी अच्छा खासा इंक्रीमेंट के साथ में अभी तक फिगर शो किया है। हालांकि ब्रोन्स की बात करेंगे तो थोड़ा बहुत डेब्ट का फिगर भी देखने मिल रहा है जो कि कोई खास अधिक नहीं है। और दोस्तों फिक्स एसेट का फिगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग तरीके से फिगर में देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक अपने आप में काफ़ी शानदार है, अभी तक अच्छा खासा मुनाफा दिया है और फ्यूचर में भी इसमें स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिलेगा। आप लोग इस स्टॉक पर फोकस बना के रख सकते हो। यहाँ पे शेयर होल्डर प्लान की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर का होल्डिंग 74% से एफआई का होल्डिंग है जो कि एफआई का होल्डिंग रफली 3% के आसपास का है। और दोस्तों डीए का होल्डिंग भी रफली यहाँ पे 6% के आसपास का होल्डिंग देखने को मिल रहा है। रिटेल का होल्डिंग यहाँ पे ओनली 17% के आसपास का है। तो यहाँ पे सारा का सारा स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है। यहाँ पे दोस्तों प्रमोटर का होल्डिंग जबरदस्त है और एफआई एंड डीए की होल्डिंग भी अच्छा खासा फिगर में देखने को मिल रहा है। तो शेयर होल्डर प्लान अपने आप में काफी शानदार है, आप लोग इस स्टॉक पर फोकस बनाकर रख सकते हो। इस स्टॉक में सारा का सारा स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे अगर यहाँ से इस स्टॉक में थोड़ा बहुत हमें ग्राउंड का फिगर देखने को मिलता है तो इसका प्राइस हमें 980 के अप्रोक्स में आते हुए देखने को मिलेगा। अदरवाइज फ्यूचर में इसका प्राइस हमें रफली फिर से 1500 के आसपास में देखने को मिल सकता है। आप लोग इस स्टॉक पर फोकस बनाकर रख सकते हो, स्टॉक जबरदस्त है और फ्यूचर में डेफिनेटली इसमें अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मुझे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।